अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी पवित्र हजूरी में हूं, आज मुझ पर अनुग्रह कर और मेरे अंदर माफ करने वाला मन पैदा कर। सब जन इस प्रार्थना को बार बार करें, कह परमेश्वर अंदर, परमेश्वर मेरे अंदर माफ करने वाला मन उत्पन्न कर परमेश्वर, ताकि मैं अपने मन से दूसरों को माफ कर सकूं। आज मुझे एक ग्रेस दे ताकि मैं दूसरों को माफ कर सकूं, मेरे अंदर दूसरों को माफ करने वाला मन पैदा कर। सब दिन बार बार इस प्रार्थना को करें, दोहराएं, मांगे उस ग्रेस को जिससे आप लोगों को माफ करने वाला मन मांगे परमेश्वर से, और उस ग्रेस को मांगे। ओ री बादा लाइखे रे बाशे खे रे बेबे नामा सखर अबो रबा रेखा नाला बो रबा। मांगे मांगे उस मन को मांगे, कहें परमेश्वर मेरे अंदर माफ करने वाला मन पैदा कर, ताकि मन से मैं दूसरों को माफ कर सकूं, ताकि मैं मन से दूसरों को माफ कर सकूं। मांगे 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 उस मन को मांगे, उस हार्ट को मांगे जिससे आप दूसरों को माफ कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। सुनो, बाइबल में लिखा आपकी आशीष का एक सीक्रेट है, अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आप भी माफ नहीं किए जाएंगे। जब आप दूसरों को माफ करेंगे, और बाइबल में लिखा मन से माफ करेंगे और आप भी मन से माफ किए जाएंगे। और परमेश्वर का दास दाऊद कहता धन्य है वो जिनके पाप माफ हुए, जिनके पाप मिटाए गए। धन्य का मतलब ब्लेस। अगर आज आपके जीवन में माफ करने वाला मन आ चुका और आप दूसरों को माफ करेंगे, आपकी आशीष लंबी होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या रुकी हुई आशीष बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रुका हुआ बिजनेस चलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या रुका हुआ हर काम बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रुकी हुई जिंदगी आगे बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज मेरे अंदर वो मन आ चुका है, और अपने हाथों को उठा के दूसरों को माफ कर दें, हर एक जन को माफ कर दें। कहो परमेश्वर मैं मन से, उसी मन से जो मन मेरे अंदर तूने पैदा किया, माफ करने वाला मन, उसी मन से मैं दूसरों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आंडी गवांडियों को, अपने दुश्मनों को भी मैं माफ करता हूँ। क्योंकि कहें परमेश्वर आज मैं जान चुका हूँ कि मेरी आशीष की रुकावट मेरा माफ ना करना, और आज मैं दिल से, मन से, वही मन जो तूने मेरे अंदर उत्पन्न किया उससे मैं दूसरों को माफ कर देता हूं। और मेरे पापों को आप क्षमा करें, अब अपने पापों की माफी मांगे अपने पापों की माफी। के परमेश्वर जैसे ही मैंने पाप किए, सोचने से, बोलने से, करने से, किसी तरीके से मैंने पाप किए, आज मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मांगे मांगे माफी को मांगे, और मुझे पवित्र आत्मा कह रहे हैं आज आपकी ब्लेसिंग की ऊंचाई बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप रियल में ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद कहता धन्य वो, ब्लेस है वो जिसके पाप माफ हुए, जिसके पाप मिटाए गए। आज आपके पाप माफ हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस इंसान गिने जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस्ड बिजनेसमैन गिने जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस्ड वाइफ गिने जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस्ड हस्बैंड गिने जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस्ड सिटीजन गिने जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस्ड पास्टर गिने जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस्ड सेवादार गिने जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या एवरीथिंग आपके जीवन में ब्लेस होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का आत्मा आपको मेरे मुंह का इस्तेमाल करके कह रहा। और जितने जने चीख रहे, चला रहे, सेलिब्रेट करो, आज आपकी ब्लेसिंग बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। चलता रहूं मेरे
चलता रहूं मेरे खुदा।
तेरी राहों पर अपने हाथों को ऊपर उठा सब गाएं अपनी आवाज को ऊंचा उठा के गाएं अपने हाथों को लाते हुए आंखों को बंद करते हुए कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सेवन फोल्ड ब्लेसिंग उनके जीवन का हिस्सा होने जा रही है सात गुना आशीष आपके जीवन का हिस्सा होने जा रही है आपकी रुकी हुई जिंदगी आगे बढ़ने जा रही है आपका रुका हुआ बिजनेस आगे बढ़ने जा रहा है तेरे सिवा हर एक रुका हुआ कोई नहीं वो आगे बढ़ने जा रहा है वो खुलने जा रहा है आपकी रुकी हुई स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ने जा रही है को जो बर सके अपने परों में तू शिफा बाहों में ले ले मुझे अपने परों में तू शिफा अपनी आंखों को बंद करें मेरे ले हाथों को लगते हुए स्वर्ग की तरफ हाथों को तेरे सिवा आपके साथ वर्षिप कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ स्वर्ग दूत आपके साथ वर्षिप कर सके तेरे सिवा आवाज कोई नहीं जख्मों को जो होली पिता आपको प्रसन्न करो वो प्रसन्न कर आपको वो लाइक कर आपको आपकी वर्षिप को मुझे अपने परो तसल्ली तेरी बातों में तेरे इशारे हाथों में मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा आपके हाथों में स्वर्गीय सब्सटेंस आ रही है स्वर्गीय ऑयल आपके हाथों में आ रहा मेरे खुदा स्वर्गीय ऑयल जो अभिषेक का प्रूफ है उसकी निशानी वो जो अभिषेक की निशानी मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा आपके हाथों में स्वर्गीय अभिषेक आ रहा आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो फलवंत होगा जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो फलवंत होगी आपके हाथों के द्वारा किए गए काम फलवंत होगी आपका बिजनेस आपके हाथों के द्वारा फलवंत होगा आपका घर आपके हाथों के द्वारा फलवंत होगा परमेश्वर का अभिषेक आपके हाथों में आ रहा वो स्वर्गीय अभिषेक मैं तेरी राह पर चलता रहूं आपके बाहर जाने के रास्ते खुल रहे हैं मैं तेरी राह गिरे हुए प्लान चलता इस वर्षिप में फिर से उठ रहे हैं फिर से परमेश्वर आपकी जो आपको अपनी योजनाओं में ले रहा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा फिर से आपके शरीर चंगे होंगे मैं तेरी राह फिर से आप प्रार्थना में बढ़ेंगे फिर से आप रोजों में बढ़ेंगे फिर से आपकी पवित्रता ही बढ़ेगी फिर से योजनाओं में आप सल
सेलेक्ट किए जाएंगे। आज से देखेंगे एक योजना आपके जीवन के ऊपर फिट होने जा रही है, और वो स्वर्गीय योजना, वो स्वर्गीय योजना स्वर्ग से पूरी होगी, स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ पूरी होगी। और स्वर्गदूत आप में आपके हेल्पर होंगे, स्वर्गदूत आपके हेल्पर होंगे। पापों का तो छिपने की तो ही जगह, रावों की तो रोशनी, रोजा बदन की शिफा। सब गए राहों की तो है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। फिदिया मेरे पापों का तो छिपने की तो ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तो छिपने की तो ही जगह, राहों की तो है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। राहों की तो है रोशनी, रोजा बदन के शिफा। वसा से मुझे भर दे तो स्वर्गीय अभिषेक, उसे मुझे धो दे तो जो आपको आगे लेके जाएगा। वसा से मुझे भर दे तो, सब गए सब गए सब गए। वसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो, मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता ताड़ी मारे उसके अभिषेक के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए और उसकी दी हुई माफी के लिए। सब जन बैठ जाएंगे। स्वागत करते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने। यहां पर आपके लिए एक ग्रेस आएगी जो आपकी निर्बलताइयों में है, वो आपकी सहायता करेगी और आप गिरेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल च लिखिया, तान्या ओ इंसान जिदे पाप मिटाए गए, जिदे पाप माफ किए गए। तान दा मतलब ब्लेस्ड। तद तक तुसी अपनी जिंदगी च ब्लेस नहीं हो सकते, तद तक ताडी मैरिज लाइफ ब्लेस नहीं हो सकती, तद तक ताडा बिजनेस ब्लेस नहीं हो सकता, तद तक ताडे बच्चे ब्लेस नहीं हो सकते, तद तक ताडा शरीर ब्लेस नहीं हो सकता, जद तक ताडे पाप नहीं माफ होंगे। तो कंडीशन की है पवित्र बाइबल च, कंडीशन यह आ कि जो तुसी दूसरों के पापा नूं क्षमा करोगे ताडे पाप फिर माफ होणगे, जो तुसी दूसरों नूं क्षमा नहीं करोगे ताडे भी पाप क्षमा नहीं होणगे। बहुत सारे लोग खुद के पापा की तो माफ़ी मंगते, परमेश्वर मैनू माफ कर, मैं आ कीता, पर दूसरों नूं माफ नहीं करते। जद तक तुसी दूसरों नूं माफ नहीं करते मन तो, पवित्र बाइबल लिखे मन तो, जब तक मन तो तुसी दूसरों नूं माफ नहीं करते ताडे पाप माफ नहीं होंदे, और जब तक ताडे पाप नहीं माफ होंदे तुसी आशीषित नहीं हो सकते। तुसी फिर फेलियर रहने, तुसी उत्थे अड़े रहने, तुसी रुके रहने, ताडी लाइफ मूव नहीं करती, ताडे बच्चे मूव नहीं करते, वह पढ़ाई में उत्थे रहिंदे आ, वो हर काम च ताडा स्टॉपेज हो जाता, क्योंकि आशीष का सीक्रेट आ माफी, और माफी का सीक्रेट आ जो तुसी दूसरे नूं माफ कर दें।
और आज जद जिन्ने जिन्ने जन मेरी आवाज नू सुन रहे आ जां जिन्ना तक वचन बाद विच भी पहुंचेगा जो दूसरिआं नू माफ करूंगे चाहे तुहाडे नाल जिन्ना मर्जी किसी ने माड़ा किया डोंट वरी डोंट वरी चाहे चाहे उन्हें इदां दा काम कोई चंगा नहीं किया कि तुसीं उहनू माफ करो पर मैं तुहानू पवित्र बाइबल चो अज एक गल सिखाउण आया कि बदला लैणा तुहाडा कम नहीं मेरा कम नहीं परमेश्वर कहिंदा तू माफ कर दे तेरे पापा नू मैं माफ कर दूंगा और बदला लैणा परमेश्वर कहिंदा मेरा कम है जद तुसी दूसरे नू माफ कर दूंगे तुसी भी माफ किते जाओगे और जजमेंट बदला ताड़ा परमेश्वर लेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच मैं कहता ताड़ा परमेश्वर लेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच और अज जद तुसी सिख के जाओगे और प्रैक्टिकली अपनी पूरी लाइफ दूसरे नू माफ करते रहोगे और अपनियां गलतियां दी माफी मांगते रहोगे ताड़ी जिंदगी च कदी स्टॉप नहीं लगेगा नैवर ताड़े बिजनेस स्टॉप नहीं लगेगा ताड़ी मैरिज लाइफ च कदी स्टॉप नहीं लगेगा ताड़ी जिंदगी दी किसी भी चीज में स्टॉप नहीं लगेगा बहुत सारे लोग उन्होंने पूछियो ताड़े बच्चे क्यों नहीं पढ़े क्यों नहीं पढ़े नहीं जी घर च प्रॉब्लम सी तद करके नो परमेश्वर किसी ना पक्षपात नहीं करता तुसी और मैं सारे परमेश्वर की संतान हाँ तुसी किते ना किते परमेश्वर के हुक्म की उलंघना की तो केड़ा हुक्म तुसी लोकां दे प्रति अपने मन च कड़वाहट पैदा कीती तुसी कड़वाहट पैदा कीती और दूसरे नू माफ नहीं कीता और तुसी भी माफ नहीं होए तो स्टॉप लग गया ताड़ी स्टडी च स्टॉप लग गया ताड़ी मैरिड लाइफ च स्टॉप लग गया ताड़े बिजनेस च स्टॉप लग गया ताड़े फाइनेंस च स्टॉप लग गया ताड़ी कलीसिया च स्टॉप लग गया ताड़ी सामत च स्टॉप लग गया ताड़े अभिषेक च हर चीज च स्टॉप लग जांदा जद तुसी दूसरे नू माफ नहीं करदे और तुसी खुद माफ नहीं हुंदे और अज परमेश्वर ने मेरे मुंह नू इस्तेमाल कर रहा ताडे नाल गल करन लई और मैं जानदा तुसी दूसरे नू हुण भी माफ कीता अगे भी माफ करूंगे खुद भी माफ हुंदे रहूंगे और अब ताडी जिंदगी दी आखरी साह तक कदी भी ताडी जिंदगी ते स्टॉप नहीं लगेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच मैं कह सैवन फोल्ड बढ़ूंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच मैं कह सत गुणा वधन जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच सत गुणा परमेश्वर ने मैनू मैं प्रार्थना कर रहा सी परमेश्वर कहिंदे कह दे सैवन फोल्ड दा की मतलब सत गुणा सत उणंजा फिर सत उणंजा नू सत ना फिर उणंजा जिहड़ा जिन्ना आ फिर सत मैनू इन्ना मैथ इन्ना मैं कर नहीं सकदा मल्टीप्लाई करके देख लियो सत गुणा सत उणंजा उणंजा नू फिर सत फिर जो आएगा फिर सत मैं क्या अनलिमिटेड वधन जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच मैं क्या तुहानू कोई रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच क्यों लोगों नू समझ नहीं आ रही वो कामयाब हो गया मैं फेलियर हो गया किसी ने तुहानू फेल नहीं किया नो तुहानू ज्ञान नहीं परमेश्वर दे वचन दा और जद अज तुहानू ज्ञान आ गया जदों तुसीं दूसरे नू माफ कर दूंगे और खुद माफी मंगोगे डोंट वरी फिर दुनिया च कोई ऐदां दी ना अंधकार दी ताकत आ ना कोई जादू टूणा आ ना कोई शैतान दी ताकत आ ना कोई इंसान दी ताकत आ जिहड़ा तुहानू रोक पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच क्योंकि मैं नहीं कह रहा परमेश्वर दा अभिषिक्त दास दाऊद जिहड़ा अपनी जिंदगी च सब तो वध लड़ाइया लड़िया 60 नालों वध लड़ाइया लड़िया और हर लड़ाई उन्हें जीती और अपने आखिरी साह तक हर लड़ाई में चाहे वो परिवारक लड़ाई सी चाहे दूसरे देशों के नाल लड़ाई सी चाहे वो राज की लड़ाई सी चाहे वो जिंदगी की लड़ाई सी चाहे पाप की लड़ाई सी हर तरह की लड़ाई च वो जयवंत होया और उन्हें एक कारण कढ़िया कि ब्लैस उ हो सकता जिदे पाप माफ किए जान तो पाप ओदे माफ होणगे जिहड़ा दूसरे नू माफ करेगा और अज तुसी सिख चुके हां मैं कह दाऊद दी तरह जयवंत होंगे जिंदगी दी हर सिचुएशन च यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच कोई भी हालात तुहानू गिरा नहीं पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच कोई भी डिप्रैशन तुहानू रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच आप डिप्रैशन तो आजाद होंगे और जिंदगी इंजॉय करोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच तुसी अज तो हर वो दुख ताड़ी जिंदगी च जिन्ना मर्जी क्यों दुखदायक क्यों ना होए अज जो ताड़ी जिंदगी चो दुख सदा लई खत्म होएगा और तुहानू कदी भी याद नहीं रहेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच
मैं क्या कभी भी याद नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम विच, क्योंकि ताड़ी उचाई ताड़ी आनंद की ताड़ी शांति की ताड़ी तरक्की की ताड़ी ताड़ी हेल्थ की इन्नी उची होएगी कि तुसी सारा दुख सारा फेलियर हर चीज जिहड़ी तुहानू टॉर्चर किया वह अज तो खत्म आ और अज तो अपनी जिंदगी सैलीब्रेट करूंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम विच। मैंने अपनी बाइबल में चाठाओ बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है जो कुछ ये लिखा मैं उ बनूंगा और मैं इस विश्वास करदा और मैं उ बनता जा रहा जो ये लिखा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम च मंगते हाँ। मैं खोलेंगे कुलसियां कुलसियों चैप्टर तीन ओदी तेरह मैं ही पढ़ांगा कुलसियों चैप्टर तीन ओदी तेरह। बोलो परमेश्वर आज दा वचन मेरी आत्मा च बीजिया जा रहा और मैं जानता हाँ कोई भी अंधकार की ताकत इनू चुरा नहीं पाएगी और मैं जानता हाँ मैं इस वचन नू सुन भी रहा ग्रहण भी कर रहा इहदे उत्ते चलांगा भी और मैं दूसरिया ना शेयर भी करूँगा। जिन्हें ऑनलाइन देख रहे इस वचन शेयर करो ज़्यादा तो ज़्यादा जब तुम इस वचन शेयर करोगे तुम डबल ब्लैस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम च। एक तो खुद परमेश्वर के वचन से चल के दूजा परमेश्वर के वचन शेयर करके प्रीच करके जब किसी तक भी ये वचन जाऊगा जब वो सुनूगा और उन्हें अपनी जिंदगी की हर गल का सवाल का जवाब मिलेगा और उस तो बाहर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम च। मैं तेरे लिए एक वचन पढ़ूंगा तीन दी तेरह और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। सब बोलो आमीन। बाइबल च लिखा कि ताडे को कारण हैगा ताडे ना लोगों ने बुरा किया ताडे ना ताडे हसबेंड ने बुरा किया ताडी पत्नी ने बुरा किया ताडे मालक ने बुरा किया ताडे गवांडी ने बुरा किया ताडे रिश्तेदार ने बुरा किया ताडे को कारण है दूसरिया ना गिला करन दा पर ताडे को कारण हैगा तुसी सच्चे हो तुसी सच्चे हो तुसी रोंग नहीं हो पर परमेश्वर कहिंदा एक दूजे की सह लो उहनू माफ कर दो। क्यों सह लो क्योंकि कदी तुसी भी पापी सी तुसी गुनाहगार सी और परमेश्वर ने ताड़ी सैली और ताड़े सारे पापा नू क्षमा किया कहिंदा उसे तरह तुसी भी दूजियां नू क्षमा करो जिदा ताड़े बाप यीशु मसीह ने किया और जो तुसी दूसरियां नू क्षमा करोगे अपने बाप यीशु मसीह की तरह बनते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम विच। मैं क्या बनते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम विच। और परमेश्वर की सब तो वड्डी इच्छा यह आ कि तुसी यीशु मसीह वर्गे बन जाओ जो तुसी यीशु मसीह वर्गे बन जाओगे और यीशु मसीह वर्गी शांति यीशु मसीह वर्गा आनंद यीशु मसीह वर्गी तरक्की यीशु मसीह वर्गी उचाई और यीशु मसीह वर्गी सामर्थ ताडे और मेरे जीवन का हिस्सा होएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। मैं क्या हिस्सा होएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। बाइबल च लिखा प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस ने कहा कहिंदा प्रभु किन्नी वारी सानू दूसरे नू माफ करना चाहिए किन्नी वारी माफ करना चाहिए। पतरस कहिंदा सत वारी प्रभु कहिंदे नौ सत गुणा सत्तर वारी कहिंदा अनलिमिटेड तानू माफ करना चाहिए अनलिमिटेड तानू माफ करना चाहिए क्योंकि जे तुसी अनलिमिटेड दूसरे नू माफ करोगे तो अनलिमिटेड तुसी भी माफ किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। मैं क्या माफ किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। प्रभु कहिंदे सत गुणा सत्तर तुसी सत गुणा सत गुणा सत गुणा सत्तर वारी लिख लो अनलिमिटेड हो जाता। पता नहीं मैनू काउंटिंग नहीं आती उतों तक पर मैं समझना बहुत वारी करोड़ा अरबा खरबा वारी हो सकता अनलिमिटेड कहिंदा अनलिमिटेड वारी तुसी दूसरिआं नू माफ करोगे और अनलिमिटेड वारी तुसी भी माफ किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। और बहुत सारे लोग कहिंदे
कि माफ करके सानू मिलेगा की और की नुकसान होएगा। बाइबल लिखा जो तो पतरस ने पूछा कि प्रभु किन्नी वारी मैं अपने भरा माफ करना चाहिए, वह कहता 7 × 70 बार। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई, उन्हें क्या कि कहता एक राजा सीगा, एक राजा सी और ओदा एक नौकर सी। उन्हें नौकर ने कहता बहुत सारे वो पैसे देने से, हजारा च वे पैसे देने से। जब वो नौकर का हिसाब किताब कढ़िया गया तो वो वाल हजारा रुपये निकले और उन्हें जब राजे ने पकड़ के अपने सामने पेश किया और वो तो पैसे मंगे और वो कुछ भी नहीं सी देने नू, और को कुछ नहीं सी। और उस नौकर ने की किया राजे तो बेनती की, तरले मारे रोया कर लाया कि राजा मेरे को कुछ नहीं हैगा कि पर मैं तेरा सारा कुछ दे दूंगा। और बाइबल च लिखा राजे ने हुक्म दिता, पहला हुक्म दिता कि इनू ते इहदे परिवार नू बेच के सारा कुछ, इहदे बच्चे नू वेच दो, इहदी पत्नी नू वेच दो और सारा कुछ दे के जिन्ने इहदे पैसे आ वह सारे खजाने च जमा किए जाण। पर वह रोया राजे दे अगे कि मेरे को राजा कुछ नहीं आ, कुछ नहीं देन नू। और उहने राजे नू उहदे ते तरस आया, उहदे तरस आया और बाइबल च लिखा उहने सारे पैसे उहदे सीगे जिहड़े माफ करते सारे पैसे, और उन्हें कहा जा तेरा सारा कुछ मैं माफ कर दिता। हुण वह जिहड़ा नौकर सी उन्हें भी किसी को पैसे लेने सी, उन्हें भी कुछ पैसे लेने सी। वह बाहर निकलिया, दूसरे नौकर नूं कहिंदा मेरे पैसे कढ, वो कहिंदा मेरे को अजे है नहीं और मैं तैनूं दे दूंगा। और बाइबल च लिखिया वह नौकर ने की किया उन्हें फड़िया, उन्हें थाने लैके गया, थाने ले जाके उन्हें जेल च पाता। जब उही गल फिर राजे नूं पता लगी कि मैं तो इन हजारा रुपये माफ करते ते इन्हें कुछ जो सौवें वो माफ नहीं किए, बल्कि इन्हें धक्का करके थाने देता। राजे ने फिर हुक्म दिता कहिंदा जाओ वो जरा नकम्मा बंदा जिन्हें मैं पैसे माफ किए उन्हें फड़ के लियाओ तो उन्हें जेल च पा दो। मतलब की कहिंदा कहिंदा परमेश्वर कहिंदा तुसी पापी सी, गुनाहगार सी, विभ्याचारी सी, चोर सी, हेराफेरी कीती, ताडे मैं बहुत पापा नू माफ कीता। तुसी जानदे हो जद भी तुसी अपनी जिंदगी विच चलदे आ, फिरदे आ, सौंदे आ, जागदे आ, कुछ भी करदे आ, इंसान हर चीज दे नाल पाप करदा, अपनियां सोचां नाल, अपने सुपनियां दे नाल, अपने देखण दे नाल, अपने बोलण दे नाल, अपने चलण दे नाल, अपने काम करण दे नाल। और परमेश्वर कहिंदा मैं सारा कुछ देखदा 24 घंटे कहिंदा मैं देखदा, और मैं सृष्टि दा बनाउण वाला, इस सृष्टि नू चलाउण वाला और इस सृष्टि नू डिस्ट्रॉय करन वाला। और तू जदों मेरे अगे गिड़गड़ाउंदा, तू जदों मेरे को माफ़ी मंगदा तो मैं तेरे सारे पापां नू माफ़ कर देना, पर तू खुद दे पाप तो माफ़ करा ले, पर जिहड़ा तेरा भैण भरा आ, तेरा रिश्तेदार आ, तेरा पति आ, तेरी पत्नी आ, चाहे जो भी आ, पर तू ओहदे पाप नहीं माफ़ कर रहा। तो जे तू ओहदे पाप नहीं माफ़ कर रहा तो फिर तेरे भी पाप नहीं माफ़ किए जाणगे, बल्कि तू सज़ा दा हकदार होगा। यही गल मैं अज तुहानू सिखाउणा आ कि परमेश्वर ने ताडे ते मेरे ते अनुग्रह किया और हर रोज़ वो अनुग्रह करता, क्योंकि बाइबल च लिखा उहदा अनुग्रह हर दिन नवा हुंदा ताडे जीवन ते। असी किसी न किसी तरीके ना पाप करते हाँ, सोचन ना, बोलन ना, करन ना, छड़न ना, सौन ना, जागन ना, हर तरीके ना, और रोज़ असी परमेश्वर साडे पापा नू क्षमा करता, क्योंकि जे साडे पापा दा हिसाब किताब परमेश्वर ले तो असी एक भी दिन जी नहीं सकते धरती ते, नैवर जी नहीं सकते, और उन्होंने सारे की सजा मौत होएगी। पर परमेश्वर साढ़े अनुग्रह करता, साढ़े ते दया करता और सानू मौका देता हमेशा ही हर रोज़। और परमेश्वर भी चाहता कि जिदा मैं ताडे पापा नू माफ़ करदा, तुसी भी अपने आले दुआले च अपने कोवर्कर दे जिथे तुसी जॉब करदे आ उन्होंने पाप माफ़ करो। जे ताडा कोई बॉस आ उन्हें ताडे नाल बुरा किया उहदे पापा नू माफ़ करो। जे ताडा कोई रिश्तेदार आ उन्हें ताडे नाल बुरा किया उहनू माफ़ करो। और जो तुसी उन्हां नू माफ़ करोगे तो ताडा चिट्ठा भी माफ़ किया जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जे तुसी दूसरे नू माफ़ नहीं करोगे तो फिर ताडे ते भी डंड आऊगा, ताडे ते भी डंड। कि इस दुनिया च कोई भी इदां दी गल नहीं जिहड़ी बिना ताडे पापां तो ताडे जीवन च आउंदी। जे परमेश्वर अज हर एक दे पापां नू खोल के रख दो तो ताडे को एक भी शब्द नहीं आ
दूसरे के खिलाफ बोलन का। तुम दूसरे नालों वध पापी निकलोगे, मैं तुहाडे नालों वध पापी निकलूंगा जे परमेश्वर एक्सपोज कर दे मेरी लाइफ। इस करके इस एक गल का ध्यान रखो कि परमेश्वर ने साडे पापा नूं क्षमा किया, और हर रोज दूसरों के पापा नूं क्षमा करो। जो तुम दूसरों के पापा नूं क्षमा करोगे अणगिणत टाइम और अणगिणत टाइम ही तुसी भी माफ किए जाऊंगे और ब्लैस होंगे जाऊंगे। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में मैं क्या होंगे जाऊंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। पुराने समय में पाप माफ नहीं किए जाते सी, बल्कि मिटाए जाते सी और ढके जाते सी। और बाइबल च लिखा जिहड़ा पापी सी उन्हूं सज़ा मिलती सी, पर असी अनुग्रह के युग च आ, असी यीशु मसीह के युग च आ जिन्हें सानू माफ करना सिखाया। पुराने समय से देखो तुसी जदों यहोशू के टाइम से, जो यहोशू के टाइम से मैं तुहाडे नाल पढ़ांगा अकान नां दा, अकान नां दे व्यक्ति ने इजराइलियां दे जो आ रहे सी जो चोरी की, और बाइबल च लिखा चोरी चाहे उन्हें कल्ले ने की सी, परमेश्वर ने उन्हें क्या यहोशू नूं एदा ते एदे घराने नूं सजा दी। जे तुसी घर दे मुखी हां ते जे तुसी पाप कर रहे हां ते लॉ दे अकॉर्डिंगली सजा जिहड़ी तुहानूं ते तुहाडी खानदान नूं बणदी। इस करके बाइबल के नवे नियम से नियम से लिखा राजे ने कहा जे ए, ए, पैसे इन्हें देने आ तो ये परिवार को बेच दो। सोचो गुनाह तुसी कल्या ने किया, मैं कल्या ने किया, परमेश्वर ने सानू माफ करके साडे परिवार से भी दया की। तो जे तुसी दूसरे नू माफ कर रहे हैं तो खुद भी माफ हो रहे हैं तो ताडे नाल ताडा परिवार भी बचाया जा रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। मैं क्या बचाया जा रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। बाइबल च लिखा अकान, अकान नाम का व्यक्ति सी उन्हें चोरी की, चोरी की सी उन्हें जिहड़ी जिहड़ियां जिहड़ियां वस्तुआं सीगियां जिरीहो दे विच, जो ए ना लड़न गए जिरीहो दे रस्ते च उन्हें चोरी कर लिया सी कुछ, और उहदी सजा उहनूं ते उहदे घराने नूं। तो जे तुसी दूसरिआं दे पाप नहीं माफ करदे पे तो तुहाडे वी माफ पाप नहीं माफ हुंदे पे, तो तुसी उहदी सजा तुहानूं कल्ले नूं नहीं मिलदी पई, तुहाडे परिवार नूं वी मिलदी पई, तुहाडे परिवार नूं वी, तुहाडे बच्चिआं नूं, तुहाडे मां नूं, तुहाडे बाप नूं, पूरे परिवार नूं मिलदी पई। तो जे तुसी दूसरिआं दे पाप माफ करदे पे आ तो तुसी वी माफ हो रहे, तो तुहाडा परिवार वी नाले ही माफ हो रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, नाले माफ हो रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। इसे करके बाइबल विच लिखा यीशु मसीह दे आउण तो पहला व्यवस्था सी, अख दे बदले अख, नक दे बदले नक, कन दे बदले कन, मौत दे बदले मौत। पर यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते आए उन्होंने दूसरे नूं माफ करना सिखाया, उन्हें माफी का प्रचार किया। तो उहदे एक चेले ने पतरस ने पूछा कि प्रभु सानू कितनी वारी माफ करना चाहिए, प्रभु कहिंदा सत गुणा सत्तर वार अणगिणत वारी। जे तू अणगिणत वारी माफ करेगा तो अणगिणत वारी तू माफ किया जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। और बाइबल च लिखा जब पतरस ने गल सीख ली कि मैनू दूजिआं नू माफ करना चाहिए, और पतरस कोलों भी गुनाह होया, पतरस को भी परमेश्वर दे नाल जिहड़ी परमेश्वर दे हुक्म की उलंघना हुई, पतरस ने भी परमेश्वर दे हुक्म की नाफरमानी की, उन्हें भी परमेश्वर नू तीन वारी इनकार किया। ते कोई छोटा गुनाह नहीं सी अपने गुरु दे इनकार करना, ये कोई छोटा नहीं सी पतरस लई। जब पतरस ने उन्हां गल्लां दा इनकार किया तीन वारी, तो पतरस ने इनकार किया, और पतरस ने अपनी पूरी लाइफ च दूसरे नूं माफ किया सी और माफ होया सी। इसे आदत दे कारण पतरस माफ किया गया और फिर तो इस्तेमाल होया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, फिर तो इस्तेमाल होया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बहुत सारे लोग सोचते होंगे तुहाडे मन च क्वेश्चन आते होंगे कि यहूदा इस्करियोती क्यों नहीं माफ होया, उन्हें यीशु मसीह ने धोखा किया वह क्यों नहीं माफ होया। इसे करके कि यहूदा इस्करियोती ने नहीं पूछा सी कि प्रभु मैनू कितनी वारी माफ करना चाहिए अपने, पतरस ने पूछा सी, और पतरस नूं जब यीशु मसीह ने दसिया सत गुणा सत्तर वारी तो पतरस सीख गया, और पतरस अपनी लाइफ में दूसरे नूं माफ करता रहा और माफ हुंदा गया। जब एंड ते उन्हें यीशु मसीह का इनकार किया तीन वारी,
तो फिर वह खुद भी माफ किया गया, फिर तो परमेश्वर के कामों लिए चुनिया गया और इस धरती से जीवन से योजना सी और पूरी हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या पूरी हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। माफ करने की आदत सब तो वड्डी महंगी और बहुमूल्य आदत है। जे ये आदत तुहानू पैगी और प्रैक्टिकली तुसी हर रोज दूसरे नू माफ करने वाले बन गए और ताडे भी पाप माफ जद हो गए तो तुहानू जिंदगी विच कोई कदी ग्रह नहीं सकता। यहूदा इस्करियोती ग्रहया गया, क्यों? क्योंकि इहदे बारे उन्हूं चिंता ही नहीं सी माफ करन वाले। उन्हूं सिर्फ ये सी कि पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, किसी तरह मेरे को पैसा आना चाहिए। अज भी बहुत सारे लोग है चर्च में आते, उन्होंने इस बारे चिंता नहीं है कि परमेश्वर का वचन की कहता। उन्होंने चिंता मैं बाहर चल जा, मेरा बिजनेस वध रहा कि नहीं वध रहा, मैनू जॉब नहीं मिली, मेरी तरक्की हो रही कि नहीं हो रही, मेरे न्याणे न्याणे सही है कि नहीं सही, मैं चर्च जा रहा 10 सालों तो मेरी जिंदगी च आ होया कि नहीं होया, मेरा घर बनया कि नहीं बनया। लोगों नू चिंता आ सिर्फ पैसे ना और पैसे दी चीजा ना। यहूदा इस्करियोति नू भी ये चिंता सी सिर्फ पैसे दी। इसे करके ओही चिंता प्रभु यीशु मसीह दे नाल रहिंदिया भी वह चिंता तो मुक्त नहीं होया और एक दिन उन्हें उस पैसे दे नाल अपने गुरु नू वेच दिता। अज भी लोगों के जीवन च यहूदा इसकर ज्योति की जिहड़ी स्पिरिट काम करती है, अज भी उन्होंने जे 2 नंबर का कोई काम करना पे ईजली बेच देंगे यीशु मसीह नू, कहिंदे कोई गल नहीं चर्च जाके माफी मंग लांगे। नो, ये यहूदा इसकर ज्योति माफ नहीं होया, ते नेवर। तुहानू पहला दूसरे नू माफ करना पेगा फिर तुहानू माफी मिलेगी। तो जो तुहानू चिंता ही नहीं माफ करन दी तो माफी दी, तुहानू तो चिंता पैसे दी, तुहानू तो चिंता जॉब दी, तुहानू तो चिंता बाहर जाण दी, तुहानू तो चिंता सिर्फ भी मेरे घर च खुशहाली होए, मेरे घर च एसी लगा कि नहीं लगा। तुहानू जे ये चिंता संसारक चीज़ां दी तो फिर नैवर तुसी फेल हो जाऊंगे। तो अज जिहड़े वचन मेरा ये वचन ध्यान नाल सुन रहे, जो अज तो पूरी लाइफ अपने आखिरी साह तक दूसरों नू माफ करन दी और खुद माफ होन दी चिंता करूंगे। मैं कहता नू कदी भी कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं कह आशीष ते आशीष होंदे जाऊंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। यहूदा इस्करियोति ना बनो, चिंता रखो परमेश्वर दे वचन दी। पतरस नू चिंता सी, पतरस ने सवाल किया कि प्रभु किन्नी वारी मैनू माफ करना चाहिए। यहूदा इस्करियोति नू कोई चिंता नहीं सी, इसे करके वो परमेश्वर दे नाल रहिंदा होया भी, परमेश्वर दी प्रेजेंस च रहिंदा होया भी वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। और बाइबल च कितने भी ये नहीं लिखा सी कि यहूदा इस्करियोति ही फड़ाएगा। बाद च चाहे उन्हें कम ही इदा ने करते, परमेश्वर ने उन्हें कहता, परमेश्वर ने उन्हें कहता। इसे करके फिक्र रखो कि परमेश्वर का हर एक वचन पूरा करना। जो तुसी फिक्र रखोगे परमेश्वर के वचन नू पूरा करन दी, और एक टाइम आएगा पैसा भी ताड़ी जिंदगी इन्ना होएगा कि तुसी खुद हैरान होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। बाइबल च लिखा जो पतरस की सेवकाई शुरू हुई लोग खुद अपनी प्रॉपर्टी नू वेच वेच के, लोग अपने घर नू वेच के, लोग अपनी चीजा नू दे के पतरस दे पैरां ते आके पैसा रखते। क्यों? पतरस जदों प्रभु यीशु मसीह दे नाल सी, जिंदे जदों प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते जीवत सी, पतरस नू ए नहीं चिंता सी कि पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा, बल्कि पतरस अपना बिजनेस छड्ड के आया सी, बिजनेस छड्ड के आया सी। उन्हें कहा प्रभु सानू की मिलेगा, असी तेरी खातर बिजनेस छड़ता, घर छड़ता, बाहर छड़ता, रिश्तेदार छड़ता। प्रभु कहिंदे पतरस हो नहीं सकता, जिन्हें मेरी खातर छड़िया उन्हूं 100 गुणा इस धरती ते पर दुख ना और मरण तो बाद अनंत जीवन मिलेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। और पतरस नूं पता सी यीशु मसीह जिहड़ा वचन कहिंदे उह सच्चा हुंदा, उह सच्चा हुंदा। इसे करके वह यीशु मसीह के वचनों नू फॉलो करता सी। उन्हें बिजनेस की परवाह नहीं की, उन्हें अपने घर बार की परवाह नहीं की,
उन्हें सिर्फ वचन का पीछा किया। हर वारी पूरी बाइबल पढ़ के देखो, पतरस सवाल ते सवाल, सवाल ते सवाल पतरस कर रहा। क्यों? वह भी तो इंसान सी, वह भी इजराइली सी, उतों का रहने वाला सी। क्यों? क्योंकि वह पतरस जानता सी कि मैं अपने वचना नूं सीखना और वचना ते चलना वा, ते जे मेरे कोई गलती भी होएगी मैं उस गलती तो बाहर आऊंगा। और बाइबल च लिखा जब पतरस को गलती हुई वह जानता सी कि परमेश्वर अनुग्रह करी आ, और उसे जानकारी दे नाल पतरस फिर तो चुनिया गया और इस्तेमाल होया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। और हर गल जो प्रभु यीशु मसीह ने उहदे जीवन च कही सी उह पूरी होई। बाइबल ने कहा लोग अपनी प्रॉपर्टियां नूं वेच के, अपने घरां नूं वेच के, अपने हर एक चीज नूं दे के पतरस दे चरणां च रखदे सी। जिहड़े जिहड़े पैसे नूं उहने इगनोर कीता उही पैसा पतरस दे चरणां च आया और लोग लैके आए। अज जे तुसी प्रभु लई कुछ खो रहे हैं हर चीज़ ताडे कदमां च आएगी, ताडे ते कदी हावी नहीं होएगी और तुसी उहदे ते जयवंत रहोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कह जयवंत रहोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। प्रभु यीशु मसीह ने पहला ही पवित्र बाइबल च कहता कि तुसी दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकते, पैसे दी और परमेश्वर दी। जे तुसी पैसे नूं प्यार करोगे परमेश्वर नूं अपना दुश्मन समझोगे, तो जे परमेश्वर नूं प्यार करूंगे तो पैसा तुहाडा नौकर बनूंगा। अज डिसाइड करो कि मैं परमेश्वर नूं प्यार करूंगा, उहदे वचन नूं प्यार करूंगा, मैं उहदे ते चलूंगा। मैं कह रहा हां पैसा तुहाडा नौकर होएगा ते हर चीज इस जिंदगी च जो तुहानूं अच्छा जीवन जीन लई चाहीदी आ ताडे कदमां च आएगी खुद बो खुद, जिदा पतरस दे आई ताडे भी आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या उस जिंदगी जिहड़ी तुसी कल्पना करदे ताडे कदमां च आएगी खुद बो खुद यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। इह मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर दा आत्मा कह रहा, जे तुसी ग्रहण कर रहे हां और इहदे ते चलण दा डिसीजन लै रहे हां उह जिंदगी ताडे कदमां च आ रही यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। तुहानूं उस लाइफ लई तरले नहीं मारने पैणगे, उह लाइफ ताडे को खुद चल के आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। उह बिजनेस ताडे को खुद चल के आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। ओ पति ताडे को खुद चल के आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। ओ पत्नी ताडे को खुद चल के आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। और ओ वीजा खुद ताडे को चल के आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। तुहानू सीखना पेगा परमेश्वर दे वचन चो और उस वचन नू पूरा करना पेगा। जब तुसी परमेश्वर दे वचन चो सीखोगे और तुसी अज तुसी सीख रहे हैं कि मैंने दूसरे नू हर रोज़ माफ़ करना, तो जे हर रोज़ दूसरे नू माफ़ करूँगे हर रोज़ माफ़ किए जाऊँगे, जे अचानक जाने अनजाने च जे तुहाडे को गलतियां भी होणगियां तुसी योजना तो बाहर नहीं जाऊँगे बल्कि फिर तो परमेश्वर तुहानू योजना च फिट करूगा और इस्तेमाल भी करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या इस्तेमाल भी करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जने विश्वास कर रहे हैं? जे तुसी विश्वास करते सब जन खड़े हो जाना, अपने हाथों नूं उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। बोलो परमेश्वर अज मैं तेरे वचन चो सीख चुका कि मैनू तेरे वचन की परवाह करनी है, दुनिया की आशीष की परवाह नहीं करनी, क्योंकि मैं जानता हाँ जब मैं तेरे वचन की परवाह करूँगा और दुनिया की आशीष खुद ब खुद मेरे कदमों पर आएगी, मैनू तरले नहीं रहने पैणगे, मैनू कोई किसी तरह की कलाकारी नहीं करनी पेगी, मैं दुनिया की तरह दुनियादारी की तरह हेराफेरी नहीं करनी पेगी, मैं झूठ नहीं बोलना पेगा, मैं कोई पाप नहीं करना पेगा, क्योंकि मैं जानता हाँ अज मैं डिसाइड कर चुका हाँ तेरे वचन नूं सीखण दा, तेरे वचन ते चलण दा, दूसरे नूं माफ़ करन दा, क्योंकि मैं जानता हाँ जो तो मैं हर रोज़ दूसरे नूं माफ़ करूँगा और मैं खुद भी माफ़ होऊँगा। और तेरे वचन च लिखिया ब्लैस है वो इंसान जिदे पाप क्षमा हो गए, और मैं जानता हाँ अज मैं दूसरे नूं माफ़ कर चुका हाँ, मेरे भी सब पाप माफ़ हो गए हैं और अज तो आशीष की नींह मेरे जीवन च रखी जा चुकी आ। हुण मैनू अपनी जिंदगी लई, मैनू अपनी उचाई लई, मैनू अपनी प्रोस्पैरिटी लई, अपने वादे लई, अपने अब्रॉड जान लई, अपनी मैरिज लई, अपनी चंगियाई लई, अपनी बरकत लई, अपने छुटकारे लई संघर्ष नहीं करना पएगा बल्कि हर चीज़ पतरस की तरह मेरे कदमों च आएगी और खुद ब खुद होएगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाच मंगते हैं।